हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा और आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि 18 टू 45 इयर्स के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन जो कोविड का है वो आ गया है, मार्केट में इंडिया में आ गया है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ, आप लोग इसलिए ये वीडियो लास्ट तक सुने। तो सबसे पहले कि आप इस चीज़ पर ध्यान ना दें कि हमें कौन सा वैक्सीनेशन लगवाना है, हमें स्पुतनिक लगवाना है या हमें कोविशील्ड लगवाना है या कोवैक्सीन लगवाना है, इन सब चीज़ों को पे ध्यान ना दें बिल्कुल भी। आपके लिए जो भी अवेलेबल है वैक्सीन, आप वो वैक्सीन लगाएं और जल्दी से जल्दी आप उस वैक्सीन को लगवाएं। दूसरी बात यह है कि पहला जो डोज होता है वैक्सीनेशन का, वो लगाने के बाद में आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आपको कोविड की डिजीज हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप ये जरूर ध्यान में रखें कि फर्स्ट डोज लगवाने के 1 से 1.5 महीने बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, एकदम से एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती हैं। और जो सेकेंड डोज आप लगवा लेते हैं उसके भी 10-20-30 दिन बाद ही एंटीबॉडीज डेवलप होती है, एकदम से कुछ चीज़ नहीं होती है। तो आप ये सब चीज़ें ना सोचें, फर्स्ट डोज लगवाने के बाद में आपको वैसे ही बिहेव करना है जैसे कि आप अनवैक्सीनेटेड बिहेव कर रहे थे, जैसे कि आप वैक्सीनेटेड नहीं थे, आप मास्क पहन रहे थे, सैनिटाइजेशन कर रहे थे, आप सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे थे, आपको वैसे ही बिहेव करना है। दूसरी चीज ये है कि आप दो डोजेस पूरे पूरे कंप्लीट करें, ये नहीं कि एक डोज ले लिया और दूसरा डोज हमने नहीं लिया। दो डोज जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होंगी पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो पहले ये प्रोटोकॉल था कि 90 डेज बाद में आपको वैक्सीनेशन करवाना है, बट अब ये है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उसके रिकवरी के बाद में 1 से 1.5 महीने बाद में आप कोविड का वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, ओके। देन हम साइड इफेक्ट्स पे आते हैं अगर कोविड वैक्सीनेशन के, तो साइड इफेक्ट तो फीवर है जो कि आप लोग सब लोग जानते हैं, माइल्ड फीवर आ सकता है। और अगर किसी को माइल्ड फीवर आता है वैक्सीनेशन के बाद में तो एक बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हो रहा है आपकी बॉडी में, ये उसका साइन है। और आपने बचपन से कितने सारे वैक्सीनेशंस करवाए होंगे, उसके बाद में आपको फीवर आया है, माइल्ड एलर्जीज हुई हैं, लेकिन आप लोग ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और वैक्सीनेशन को अपना प्राइम टारगेट रखा है। तो वैसे ही आपको इसमें भी करना है। आप जब अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं तो आपने सुना होगा पीडियाट्रिशियन आपको ये बोलता है कि वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, इसके 24 घंटे बाद में बच्चे को फीवर आएगा, तो वैसे ही इसमें भी आ सकता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। अगर हम ब्लड क्लॉट्स की बात करते हैं कि कई लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन से ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं बॉडी में, हो सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत ही कम ऐसा हुआ है, लेकिन उतना जितना इससे हो रहे हैं वैक्सीनेशन से, उतना तो जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उनको भी ब्लड क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं, प्लस अगर कोई स्मोकिंग करता है उसको भी ब्लड क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं, प्लस अगर कोई फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है बहुत लंबे डिस्टेंस पे, उसको भी ब्लड क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम वो सब चीज़ें बंद कर देंगे, तो इसलिए आप इस चीज़ पे ध्यान रखें कि वैक्सीनेशन लगवाना हमारा प्राइम मोटिव है, ठीक है। उसके बाद में वैक्सीनेशन के बारे में ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोविड ज़रूर हो सकता है, सर्दी जुकाम खांसी होके आपको कोविड ठीक हो जाएगा, हल्का सा बुखार भी हो सकता है, ये सब चीज़ें होके ठीक हो जाएगा, जैसे कि आपको नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में हुआ करता था पहले। तो ऐसा ये है कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपकी मोर्टैलिटी नहीं होगी, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप खुद वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपके आस पड़ोसियों को भी, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं घर पे, आपके जो लोग काम करते हैं, आपके कलीग्स जो हैं, फ्रेंड्स जो हैं, आपकी बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, आप सबको मोटिवेट करें, तभी 70% अगर लोग वैक्सीनेट होंगे तभी ट्रांसमिशन चेन रुकेगी इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि 18 टू 45 इयर्स के बीच के लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में क्या करें। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई गाइडलाइंस भी हमारे इंडिया में नहीं आई है, जबकि यूएसए में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन अलाउ कर रही हैं कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, बट इंडिया में इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर को सबसे पहले कंसल्ट कर लें और आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वैक्सीन लेना चाहते हैं कोविड का या नहीं लेना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कुछ लेडीज ये भी पूछती हैं कि क्या हम
मेंस्ट्रुएशन में कोविड वैक्सीन ले सकते हैं? तो इसका जवाब है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आप इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, प्लस हॉर्मोन्स पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। फिर अगर जिन्होंने कोविशील्ड ऑलरेडी ले लिया है, तो पहले फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में हमें 6 to 8 weeks का गैप रखना होता था, अभी वो चेंज हो गया है और वो गैप बढ़ गया है, वो 12 to 16 weeks का गैप हो गया है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती थी। इसके अलावा अगर हम ये सोचते हैं कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए, आज ही लेनी चाहिए या कल लेनी चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी जो पोर्टल है, आप लोग को पता ही होगा, पोर्टल पे रजिस्टर करें और जल्दी से जल्दी आप वैक्सीन लें। और अगर किसी को कोई भी वैक्सीन के कंपोनेंट से माइल्ड एलर्जी भी है, तो आप अपने जो भी एलर्जी के डॉक्टर हैं, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हमें ये बीमारी है या ये डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कई तरह की और पुरानी बीमारियां हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो कोविड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप लोग ज़रूर से वैक्सीनेशन लें। और जब तक आप वैक्सीनेशन लेते हैं, उसके बाद भी हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और सैनिटाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टे एट होम एंड गेट वैक्सीनेटेड फास्ट।